WPL की आज होगी नीलामी, 409 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली, नीलामी करता मल्लिका आडवाणी करेंगी संचालन, जाने कौन है मल्लिका आडवाणी। महिला आईपीएल साल 2023 पहले सीजन की नीलामी आज यानी कि सोमवार को मुंबई में होगी। पहली बार भारत में आयोजित हो रहे महिला आईपीएल की बात करें तो 90 खिलाड़ियों पर बोली लगने की उम्मीद है। दरअसल कुल 409 खिलाड़ी होंगे, लेकिन सभी टीमें 15 खिलाड़ी कम से कम अपनी टीम में शामिल कर सकती हैं। ऐसे में 90 खिलाड़ियों पर तो बोली लगेगी ही। बहरहाल इन सभी के बीच ऑक्शन पर सभी की नजरें हैं। कौन सा खिलाड़ी होगा जो सबसे महंगा खिलाड़ी साबित होगा, इसके अलावा किस टीम में किस खिलाड़ी को जगह मिलेगी, इस पर भी सभी की उत्सुकता बनी हुई है। बता दें कि महिला आईपीएल में किस खिलाड़ी पर दाव लगेगा, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में शामिल होगा, उससे ज्यादा ऑक्शनर की भूमिका पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है और इसकी भी चर्चा हो गई है। दरअसल WPL 2023 ऑक्शन में इस बार ऑक्शनर के तौर पर महिला ये जिम्मेदारी निभाएगी और ये महिला होगी मल्लिका आडवाणी। बता दें कि मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ऑक्शन का हथौड़ा ठोकती हुई मल्लिका आडवाणी नजर आएंगी। इससे पहले ये जिम्मेदारी एक पुरुष ऑक्शनर के हाथ में होती थी, लेकिन अब मल्लिका आडवाणी पहली बार और पहले ही सीजन में ये जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार मल्लिका आडवाणी है कौन। तो आपको बता दें कि मल्लिका मुंबई के आधुनिक और समकालीन कला केंद्र की संग्राहक सलाहकार है, साथ ही वह आर्ट इंडिया कंसल्टेंट फर्म में भी भागीदार है। इसके अलावा वे पहली बार ऑक्शनर की भूमिका नहीं निभा रही है। इससे पहले प्रो कबड्डी लीग साल 2021 में उन्होंने यह भूमिका निभाई थी। बात कर लेते हैं अब टीम की, तो 5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। कम से कम 15 खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करना होगा। ऐसे में फ्रेंचाइजीज के पास जो 12 करोड़ रुपए का पर्स है उसे खर्च करना होगा और कम से कम 9 करोड़ रुपए तो टीम को खर्च करने ही होंगे। बता दें कि सभी फ्रेंचाइजियों को सभी टीम्स को 6 विदेशी खिलाड़ी खरीदने का भी अधिकार है। इसके अलावा 90 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, 409 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, 246 जिसमें भारतीय हैं, 163 विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं बता दें कि एसोसिएट देशों के 8 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे। टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर भी नजरें होंगी, जिनमें हरमनप्रीत कौर, शिफाली वर्मा, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा जैसे खिलाड़ी शामिल हैं और इन सभी का बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।